The expression m square minus 4m minus 45, ye expression, and 6m square minus 150, ye expression, share a common binomial factor. Binomial मतलब ऐसा expression जिसमें दो terms हो. तो हमसे कह दिया गया कि ये जो दोनों यहाँ पे expression हैं, इनका एक binomial factor same है. What binomial factor do they share? अब हमको बताना है कि वो common जो दोनों में same factor है, जो दोनों का same binomial factor है, वो क्या है? वो हमें बता देना है. तो चलिए, इसका तरीका यही है कि हम एक एक करके दोनों को factorize करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या factor है जो कि दोनों का है. तो ये हो जाएगा पहला expression, m square minus 4m minus 45. तो इसको करने का यही तरीका था कि अब हमको दो numbers यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, a और b, a और b. इस तरीके से कि a और b का जो product है, a और b का जो product है, मतलब क्या कि जब मैं a और b को multiply करूँ तो उसकी value m square का coefficient जो कि यहाँ पे 1 है और ये constant term इन दोनों के product के बराबर हो, यानी कि 1 times negative 45 यानी कि negative 45 के बराबर हो, और a और b का जो total sum है a plus b वो इस m के coefficient के बराबर हो, यानी कि minus 4. अब चलिए, अब हम सोचते हैं, चलिए यहाँ पे बिना लिखे हम सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से दो numbers होंगे जो कि इन दोनों condition को साथ में satisfy करेंगे. तो यहाँ पे है ये negative 45, यानी कि एक बात तो तय है कि a और b में से कोई एक जो है वो negative होगा. अब 45 के factors होते हैं, जैसे कि चलिए लिख लेते हैं क्या क्या factors हैं यहाँ पे, 1 और 45, 1 times 45, 45 होगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 times 15, 3 15s are 45, 5 9s are 45, तो और इसके अलावा चलिए ठीक है, अभी हम इतने factors देखते हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल से नहीं है, यही है, ठीक है. तो अब हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें. तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस पेयर को, इस पेयर को और इस पेयर को, तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो ये वाला है, यानी कि इनका डिफरेंस कम होगा, क्योंकि एक तरीके से अगर एक नेगेटिव है तो जब हम उन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं तो हम तो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, और हमें पता है कि इन दोनों में से एक क्वांटिटी तो नेगेटिव होनी ही है. तो अगर मैं माइनस 5 ले लेता हूँ और 9 ले लेता हूँ तो देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आएगा. तो माइनस 5 प्लस 9 मुझे दे देगा पॉजिटिव 4, लेकिन मुझे तो नेगेटिव 4 चाहिए, तो मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं बड़ी क्वांटिटी को नेगेटिव कर देता हूँ, यानी कि मैं मान लीजिए ले लेता हूँ नेगेटिव 9 प्लस 5, और इसकी वैल्यू नेगेटिव 4 आ गई. तो बस हमें अपना ए और बी यहाँ पे मिल गया, ए हो जाएगा नेगेटिव 9 और बी हो जाएगा 5 के बराबर. तो बस चलिए इस चीज़ को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और इस बीच वाले टर्म को ऐसे ए और बी के टर्म्स में यहाँ पे स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 9m प्लस 4m, सॉरी 4m नहीं, प्लस 5m माइनस 45, ठीक है. अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा m टाइम्स m माइनस 9. अब चाहे तो प्लस 5m पहले भी लिख सकते थे और माइनस 9m बाद में भी लिख सकते थे, एक ही बात है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये हो जाएगा m टाइम्स m माइनस 9 प्लस इन दोनों में 5 है तो हम 5 निकाल लेंगे बाहर, m माइनस 9. अब दोनों में m माइनस 9 कॉमन फैक्टर आ गया तो उसको हम बाहर खींच लेते हैं, m माइनस 9 टाइम्स m प्लस 5, ये हो गया इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म. चलिए एक सेकेंड के लिए हम इसको ऐसे करते हैं. अभी हमको इसको ध्यान में रखिए कि हमें यहाँ पे मिल गया m माइनस 9 टाइम्स m प्लस 5. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अक्सर कई वीडियोस में बोला कि इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट सेम आएगा? तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई कर ही लेते हैं एक बार. मान लीजिए मैंने प्लस 5m पहले लिख दिया और माइनस 9m बाद में लिख दिया. अब देखते हैं, अब हम कॉमन निकाल के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. तो पहले टर्म से मैं, पहले इन दोनों टर्म से मैं m बाहर करूंगा तो आ जाएगा अंदर m प्लस 5. ये दोनों नेगेटिव है तो मैं एक नेगेटिव तो बाहर कर ही सकता हूँ, और दोनों 9 के मल्टीपल्स हैं तो 9 भी मैं बाहर कर लूँगा. अंदर आ जाएगा m प्लस 9 5s are 45, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा. और अगर आपको ये चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं, तो आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. तो अब यहाँ पे मुझे m प्लस 5 दोनों में कॉमन फैक्टर लिख रहा है तो मैं m प्लस 5 को बाहर कर लेता हूँ. अब अंदर क्या बच जाएगा, ये m माइनस 9, m माइनस 9 जो कि सेम है जो कि हमारा पहले आया था, इसलिए आप इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, कुछ उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो चलिए ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया. अब आते हैं दूसरे वाले पे, 6m स्क्वायर
-150. तो पहले तो ये दोनों मुझे 2 के फैक्टर्स, क्योंकि दो इवन है तो 2 के फैक्टर्स भी हैं, और एक्चुअली दोनों 3 के फैक्टर्स भी हैं, तो हम तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, पहले हम 2, चूँकि ये दोनों इवन है तो हम 2 को बाहर करते हैं. 2 अंदर क्या बच जाएगा, 2 3 6, तो 3m² माइनस 150 का आधा होता है 75, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 75, क्योंकि 2 टाइम्स 75 150 दे देगा. अब यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 75. 75 सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे होता है 12, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है और 3 यहाँ भी है, तो चलिए 3 को भी हम बाहर कर लेते हैं. तो 2 यहाँ पे था, 3 और आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, m² माइनस 75 को चलिए हम जल्दी से 3 से डिवाइड करते हैं. तो 3 2 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 5, 3 5 15. तो 3 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 75 मिलेगा, तो यहां पे आ जाएगा 25. तो 2 टाइम्स 3 हो गया 6, ये तो हो जाएगा हमारा 6, और m² माइनस 25. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है m का होल स्क्वायर माइनस 25 होता है मेरा 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे. तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाले तरीके से, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ए एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई. तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई. एक्स की जगह है m, y की जगह है 5, यानी कि m प्लस 5 टाइम्स m माइनस 5. तो ये हो गया इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, और ये जो हमें यहाँ पे मिला था ये सारे हो गए इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स. अब देखते हैं कि इनमें से कौन से फैक्टर दोनों में कॉमन है. m माइनस 9, यहाँ पे m माइनस 9 नहीं है, m प्लस 5, ये m प्लस 5 है यहाँ पे और m प्लस 5 है यहाँ पे, यानी कि जो दोनों का कॉमन फैक्टर है वो है m प्लस 5, जो कि हमारा जवाब है, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन ने हमसे बोला था बताने के लिए.